चलिए यहाँ पर देखिए कौन है, तो कौन बहुत ज़्यादा यूज होता है डेली बेसिस पर। जनरली कौन के लिए किसका यूज किया जाता है बताओ? हु का यूज। तो कौन के लिए हु का, और हु का यूज एक किसने के भी सेंस में आता है। तो कौन या किसने की बात हो तो वहाँ पर किसका यूज करना? हु का यूज करना। ओके जैसे अब यहाँ पर दो होता है, जैसे अगर मैं कहूँ कौन हंसता है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? हु लाफ्स होगा। तो कहीं भी अगर कौन के जस्ट बाद जो है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफाई वाला सेंटेंस आ जाए, जैसे अक्सर क्लास में क्या होता है टीचर्स लोग बोलते हैं कि कौन बोलता है या कौन बोल रहा है, तो चलो कौन बोलता है इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कौन बोलता है सर? यस, हु स्पीक्स। लेकिन मैं कह दूं कौन बोल रहा है इसको इंग्लिश में हु इज स्पीकिंग। जैसे मैं कहूँ कौन लिखता है इसको कैसे बोलोगे? लिखता है? Yes. Who writes? लेकिन मैं कह दूं कौन लिख रहा है? Who is writing? तो देखो कैसे चेंज हो रहा है, कौन लिखता है तो आपने क्या बनाया? Who writes? Yes, sir. लेकिन कौन लिख रहा है तो यहाँ पर आपने writing? ऐसा क्यों? Sir, इसीलिए बिकॉज ऑफ टेंस, क्योंकि कौन लिख रहा है ऑन हेयर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन कौन लिखता है यहाँ पर कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस है ना। चलिए इसके बाद चलो कुछ और बताओ, मूवी कौन देखता है इसको कैसे बोलेंगे? मूवी कौन देखता है? यस, हु वॉचेस नहीं बोलेंगे, हु वॉच द मूवी या हु वॉच मूवी है ना। अच्छा मैं कहूँ मूवी कौन देख रहा है इसको कैसे बोलेंगे? हु इज वॉचिंग द मूवी। हाँ जैसे अब इस ऐसे ये रहा है वाला डेली बेसिस पे ज़्यादा यूज होता है। जैसे आप देखे होंगे मैम क्लास में क्या बोलते हैं, बोल कौन रहा है ना, बोल कौन रहा है, तो हु इज स्पीकिंग है ना। जैसे घर पर होता है ना, या क्लास में ये भी होता है सो कौन रहा है, जैसे क्लास में कुछ बच्चे सो जाते हैं तो सो कौन रहा है? हु इज स्लीपिंग। इतना क्लियर है ना। अच्छा अगर मैं कह दूँ आपसे पूछ लूँ कि चलो कौन आता है इसको कैसे बोलेंगे? कौन आता है? Who comes? लेकिन आप जैसे मम्मी से पूछना चाह रहे हो, मम्मी ये जो है अभी एक फेस्टिवल आने वाला है और इस पर कौन कौन हमारे घर पर आ रहे हैं, यानी कि कौन कौन आ रहा है, या आप सीधा ऐसे अभी कौन कौन को हटा दो, कौन आ रहे हैं? Yes, कौन आ रहा है? Yes, तो क्या होगा? कौन आ रहा है? Yes. Who is coming? लेकिन अगर यही मान लो ऐसा होता कौन कौन आ रहे हैं, तब यहाँ पर हु इज नहीं बल्कि हु आर कमिंग कर देंगे, है ना। अगर कौन कौन दो बार आ जाए तो वहाँ पर प्लूरल। हाँ जैसे मैं कह दूँ कौन कौन सो रहा है? Who are sleeping? मैं कह दूँ कौन खाना, कौन कौन खा रहा है? Who is eating the food, है ना। मैं कह दूँ कौन कौन सो रहा है? Who are sleeping, है ना। कौन कौन खा रहा है? हु इज नहीं बल्कि हु आर ईटिंग होगा, है ना। तो जब एक कौन रहे तो सिंपली इज लगाना, और जब दो कौन कौन आ जाए तो वहाँ पर क्या लगाना? हु आर। यद्यपि हु आल भी लगाया जा सकता है, लेकिन आप हु आर से कर सकते हैं। क्लियर? इसी तरह जैसे कौन रोता है तो आप क्या बोलते हो? हु क्राइज। कौन रोता है? हु क्राइज होगा। बट मैं कहूँ कौन कौन रोता है? Who cry? बस अगर कौन कौन रोता है आ जाए तो वहाँ पर हु क्राई करना, एस या ई एस मत लगाना, है ना। Yes. जैसे कौन हंसता है तो हु लाप्स, हु लाप्स। लेकिन कौन कौन हंसता है? हु लाप, बस हु लाप, है ना। अगर कौन हंसता है एक ही कौन हो तो सिंपली क्या बनाना है? हु लाप्स। लेकिन दो कौन आ जाए, कौन कौन हंसता है? हु लाप। दोनों में अंतर क्लियर है ना? Yes, समझ में आया? चलो एक लास्ट बताओगे? Yes, कौन पढ़ता है? Sir, कौन पढ़ता है? Study. बट मैं कहूँ कि कौन कौन पढ़ता है? Who study. है ना? एक कौन रहे तब मतलब कौन पढ़ता है? Who studies. लेकिन कौन कौन पढ़ता है तो Who study. क्लियर है?